नमस्कार दोस्तों, कांग दे रंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह का। दोस्तों, आज मैं खेलों पे कोई बात नहीं करूंगा, उससे अलग हटकर जिंदगी की एक बात आपसे करना चाहता हूं। अभी भी आपने डिस्कवरी चैनल के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम देखा होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड। 68 साल की उम्र में बंदे के चेहरे पर क्या रौनक है, क्या जोश है, किस तरीके से जंगल में भाग रहे थे, हमें भी इसे सीखना चाहिए। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि कहां से उठकर बंदा कहां तक पहुंचा और आज भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि हमें बहुत मुश्किलें, ऐसा लगता है कि हर वक्त मुश्किलों से घिरे हुए हैं। किसी के चेहरे पे आजकल मुस्कुराहट नहीं दिखाई देती, क्यों? मुस्कुराने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। स्माइल कीजिए, ये फ्री है। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी कट जाएगी। आज आप माना कि व्यस्त है, पर हर एक अपने रिश्ते में, अपने बंधुओं को, नजदीकी लोगों को, अपने संबंध में उनको समय दें। कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त आए जब आपके पास समय हो लेकिन संबंध ना हो। संबंधों का जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है। जो लोग आपकी तारीफ करते हैं ना, वो आपको पहचानते होंगे, पर जो आपकी फिक्र करते हैं, उन लोगों को आपने पहचानना है कि कौन है जो आपके साथ खड़े होते हैं। कुछ हंसकर बोल, कुछ हंसकर टाल, परेशानी बहुत है कुछ वक्त पर डाल, वक्त अपने आप सब ठीक करता है। उम्मीदें रखे, सब ठीक हो जाएगा। आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से वो बेहतर होती है। अपनों को मिले क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से होता है। आप जानते हैं कि एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जा सकती, फिर रिश्ते एक तरफा कैसे हो सकते हैं। मॉर्निंग वॉक कीजिए, सुबह उठिए, हंसिए, मुस्कुराइए। पार्क में कितने लाफ्टर क्लब बने उनको ज्वाइन कीजिए। जिम लगा रखे हैं सरकार ने, उस पर एक्सरसाइज कीजिए। अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप चलना बंद कर देंगे तो फिर दवाइयां चलनी शुरू हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिए। और दवा में कोई खुशी नहीं है, और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इस दुनिया में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें वो सारी कही जा चुकी हैं, बस जरूरत है उन बातों पर अमल करने की। तो आज से हंसिए, मुस्कुराइए, जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से लीजिए। और मैं समझता हूं कि यहां तक भगवान लेके आया है, आगे भी अच्छा ही रहेगा, अच्छी जिंदगी कटेगी। अगर आप मुस्कुराकर देखेंगे ना, तो ये सारा जहां भी आपको रंगीन दिखाई देगा, वरना भीगी हुई पलकों से तो आईना में धुंधला दिखाई देता है। सो आज जिंदगी को जीने की इस बात पर मैं छोटी सी अपनी बात आपके सामने कहने के लिए आया था। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। कल सुबह आऊंगा मैं आपके साथ एक बार फिर से कुछ इंडियन क्रिकेट टीम का जो वेस्ट इंडीज दौरा, उसको बात करने के लिए। कुलविंदर सिंह कंग को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।